अच्छा ये क्रश वाला होप तुम नहीं समझोगे पुजारी। एक होता है कि क्या बोलूं मैं, मतलब गलत फहमी, इतनी बड़ी गलत फहमी कोई कैसे पाल सकता है कि कभी तो हमारा नंबर आएगा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। आज राका भाई की खुशी में हमारी तरफ से एक शक्ति वाटर पी लेना। राका भाई की खुशी में तुम्हारी तरफ से मैं शक्ति वाटर पी लूं? क्यों? कोई सेंस है इस बात की? राका वीएलटी में गया, तुम लोगों की तरफ से राका पिएगा ना, मैं क्यों पीऊं? हेलो, मुझे क्यों थोड़ा लाल। सही में साकिना की जगह का नाम है, मेरे को लगता था तेरी साकिना का गाली है। और पनवेल भी मुझे ऐसा लगता था कि पनवेल जाना है मतलब कोई मीम है। तो मुझे वहां बोर्ड्स में दिखा कि पनवेल इतना किलोमीटर दूर है, मैंने कहा पनवेल, मैंने कहा यहाँ पनवेल है, राका कहता हाँ पनवेल है यहाँ पे। वाशी इज इन नवी मुंबई, ओके। अच्छा तभी वहाँ पे क्राउड थोड़ा कम है क्योंकि मैंने मैंने बैंक से बोला था, मैंने कहा मुझे तो मुंबई से ही लगा, लोग क्यों बोलते हैं कि मुंबई में इतना क्राउड। उसने कहा ये मुंबई नहीं है रे, यहाँ पे मतलब यहाँ पे बहुत अलग है, यहाँ पे तो जितना ट्रैफिक मिलेगा ये इजी है यहाँ से ट्रैवल करना। तू मेन साइड जाएगी ना तू बोलेगी मैं कहाँ गई, तो मुझे लगा ठीक है थोड़ा बहुत होगा। पर जिस दिन मैं एयरपोर्ट के लिए निकली उस दिन मेरी लग गई थी भाई, मेरे को मैं लिटरली बार बार घड़ी देखने में लग गई थी अपनी कि मेरे को आज हो गई, मिस हो गई मेरी फ्लाइट। आपको देख के गोवा की फीलिंग आती है, मेरे को देख के गोवा की फीलिंग आती है, ये क्या नशा है भाई? मतलब आज तक मैंने सुना है बहुत सारी चीज़ें कि तुझे देख के ऐसा कुछ लगता है वैसा कुछ लगता है, पर मुझे देख के गोवा की फीलिंग आती है। क्या मैंने कुछ फ्लारी फ्लारी पहना है? नहीं। क्या मतलब क्या क्या मैंने यहाँ पे पियर्सिंग करवा रखी है? नहीं। क्या मैंने अपने आईब्रो में कट मारा है? नहीं। तो मुझे देख के क्यों तुम्हें गोवा की फीलिंग आती है? हेलो, अपने डॉगी को बुलाओ प्लीज, बुला के नहीं आता है वो, अभी बहुत भाव खाता है। बुलाती है मगर जाने का नहीं। मेरे को ये चीज समझ नहीं आती, जैसे जब जाया ने शादी करी थी तो काफी लोगों ने बोला हमारे दिल टूट गए, तो तुम लोग क्या होप लगा के बैठे थे वो तुमसे शादी करेगी? अभी अगर राका की शादी होती है तो बहुत लड़कियों के दिल टूट जाएंगे, तो क्या उसने कभी बोला है कि वो चाट में से किसी लड़की से शादी करेगा? तो वो मैरिड हो ना हो डेली तुम लोगों को वैसे ही दिखेगा, और उसने वैसे ही लाइव आना है, वैसी बातें करेगा, तो क्या फर्क पड़ता है कि वो मैरिड हो कि नहीं हो? क्रश वाला होप तुम नहीं दिल तोड़ दिया। अच्छा ये क्रश वाला होप तुम नहीं समझोगे पुजारी। एक होता है कि क्या बोलूं मैं, मतलब गलत फहमी, इतनी बड़ी गलत फहमी कोई कैसे पाल सकता है कि कभी तो हमारा नंबर आएगा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। ये सॉन्ग बैकग्राउंड में चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हें ये याद आता है कि जब तुम्हारा फेवरेट स्ट्रीमर शादी कर लेता है ऑपोजिट जेंडर ऑफ कोर्स, तो तुम ये गाना गाते हो क्या? मेरा तो कॉलेज पूरा ऑनलाइन निकल गया यार, ये बहुत गलत चीज़ है। मुझे फील होता है कि जो लोगों ने रेगुलर कॉलेज करा, रेगुलर लाइफ, रेगुलर कॉलेज लाइफ फील करने के लिए और जीने के लिए, उनके पूरे कॉलेज लाइफ निकल गई यार लॉकडाउन में। मतलब दोबारा ऐसा भी नहीं है कि दोबारा कॉलेज कर लो, टाइम वेस्ट होगा। पर मैंने अपना रेगुलर कॉलेज इसलिए किया था क्योंकि मुझे रेगुलर कॉलेज पूरी लाइफ इंजॉय करनी थी अपनी, अदरवाइज अभी रेगुलर कॉलेज नहीं करती। पर कॉलेज जाना बहुत मतलब लाइफ में बहुत ज़रूरी है, मुझे तो लगता है वो लाइफ अलग ही है, टोटली अलग है। स्कूल में क्रशेज होते हैं तो उतना स्कूल में कोई ज़्यादा बोल भी नहीं पाता टू बी ऑनेस्ट। कॉलेज में आपके जो क्रश होते हैं आप ज़्यादा जाकर बोलते हो, मतलब वो अलग ही है, और मस्ती वगैरह बंक करना कॉलेज मज़ा आता है। Thank you so much for watching. If you like this video and want to see such more videos, please do let me know in the comment section and I'll see you in my next. Till then, take care. See ya.